मैं BSW कॉलेज से हूँ। आज के इस दिन में मैं युवा को खुद सामने आकर पूरे युवा को प्रेजेंट उपस्थित करती हूँ कि आज का युवा किसी से कम नहीं, क्योंकि हम आदिवासी युवा भाई बहन हैं तो बहुत पुराने ग्रामीण क्षेत्रों से, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों से रहते हुए आंतरिक रूप से हम में वो जोश और उत्साह है कि हम देश को आगे की ओर बढ़ाने में अपना भरपूर। अंतर्राष्ट्रीय महासभा द्वारा 23 दिसंबर 1994 ईस्वी को यह आदिवासी दिवस मनाने के लिए घोषित किया गया था। तब से आज तक हम 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाते हैं। आदिवासी दिवस मनाने का यह मुख्य उद्देश्य है कि हम आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए अपना जो जागरूकता होनी चाहिए उसे बनाए रखते हैं और दूसरे को प्रेरित करते हैं कि हम हमारा अधिकार, हमारे अस्तित्व को कैसे रख सकते हैं दूसरों की विरोधियों के प्रति हम अपना भागीदारी, अपनी क्षमता को दिखा सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं, क्योंकि हम पीड़ा सहने के लिए नहीं, किसी को पीड़ित करने के लिए नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति के अस्तित्व और उसकी पहचान को सम्मान देने के लिए इस दुनिया में हैं, जिससे कि हम पूरे तन मन और भक्तिपूर्ण हृदय से किसी आदिवासी समाज के प्रत्येक व्यक्ति या समुदाय में उपस्थित हर सदस्य की नागरिकता, मान्यता या उसके अस्तित्व को सम्मान दे पाएं। अगर आज हम उपस्थित हैं एक साथ तो यह हमारा ही फल नहीं लेकिन हमारे पूर्वजों का देन है। विशेषकर जब अंग्रेज शासकों ने हमारे देश पर कब्जा किया, हमारे वंशजों को प्रताड़ित किया, हमारे अधिकारों पूर्वजों के अधिकारों को छीनना चाहा, हमारे जल जंगल जमीन पर अपने अधिकार बनाने चाहा, तब हमारे पूर्वज ना ही बैठे थे बल्कि वे अपनी जान की परवाह किए बिना दुनिया के सामने आए तथा अपनी एकता की पहचान को बनाए रखने के लिए आगे बढ़े। यहाँ तक कि हमारे इस वन जंगल जमीन को बचाने के लिए वीर योद्धा थे बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, वीर तेलंगा खड़ियार, नीलंबर पीताम्बर जैसे नेता जिन्होंने हमारे आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। ना ही उन्होंने अपना परिवार, अपना समाज छोड़ा बल्कि पूरे समाज को अपना जीवन दिया कि हमारा आदिवासी समाज अब भी जीवित है, तथा उन्होंने इसलिए अपना जीवन दे दिया तो हमारा आदिवासी समाज उसे एक नायक के रूप में मानता है और आज भी बिरसा मुंडा को हम आदिवासी आदर भक्ति दिखाने हेतु भगवान का नाम देते हैं, अतः पुकारते हैं कि बिरसा मुंडा हम आदिवासियों का भगवान है। तथा आज हम युवाओं को ना ही बैठे रहना है, ना ही किसी को पीछे मुड़ के देखना है, ना ही बदलते इस परिवेश को पीछे छोड़ जाना है, बल्कि आगे बढ़ने के लिए हमारा कदम हमेशा हमें आगे रखना है। हम ना केवल अकेले रह सकते हैं बल्कि इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम एकजुट होकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एकता ही हमारा एक अहम हथियार है जिससे हम आदिवासी अपना अधिकार, अपने हितों, अपनी संस्कृति, भूमि, पहचान और हमारी अस्तित्व को बनाए रखते हैं। आज आदिवासी युवाओं को मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि हम आदिवासी समाज ना ही पूर्वजों की तरह व्यवहार कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन हाँ, आज हम एक आदिवासी नागरिक होने के नाते देश में बदलते परिवेश को समझकर आज के इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम अपना भरपूर योगदान दे सकते हैं। अपने परिवारों के साथ साथ, अपने गांव देहातों में रहने वाले लोगों के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर
अपनी अस्तित्व को पहचानते हुए अपने को एक आदिवासी नागरिक गर्वता के साथ कह सकते हैं कि हम भी ना कोई ऐसे इंसान हैं, बल्कि हम हैं आदिवासी। और आदिवासी लोग वे थे जो जंगल पर निर्भर थे। जैसे कि पहले हमारे पूर्वजों के पास नौकरियां या कुछ ऐसे चीज़ें नहीं थी कि वे अपनी जीविका की निर्वाह कर सकें, लेकिन एक जल जंगल जमीन ही थी जिन्हें वे अपना रखवाला मांगते थे। और अब भी देखा जाए तो आदिवासी समाज प्रकृति पूजक हैं। उनके अपने वंशज पूर्वज या देव देवताएं हैं जिसे वे अपना भगवान मानते हैं। यहाँ तक कि जंगल को कहा जाए तो जंगल आदिवासियों का साझा बैंक है, जिन्हें उस जंगल में ही हमारा खजाना, हमारे जीने का तौर तरीके और हमारा निर्वाह निर्भर करता है। क्योंकि हम अभी वर्तमान में देखें तो आदिवासी समाज कुछ ही हदों तक आगे नहीं, लेकिन बहुत हदों तक आगे बढ़ चुका है। इनके साथ साथ गरीबता की वजह से हमारे बच्चों तथा युवाओं को आगे की पढ़ाइयों के लिए भेज नहीं पाते हैं, लेकिन यह नहीं कि हम में दम नहीं है। हम आदिवासी युवा अगर हम हमारे भावनाओं, हमारी अस्तित्व को समझेंगे तो ना ही हम दो कदम लेकिन सैकड़ों कदम में, हर कदम में अपने भारत देश एवं हमारे आसपास के स्थानों या परिवेश को बदलते मोड़ में आगे बढ़ते देख सकते हैं। अतः मैं हम आदिवासी युवाओं से अनुरोध करती हूँ कि हम शिक्षा के क्षेत्र में ना ही उसके साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं या विभिन्न अवसर जब हमें प्राप्त होते हैं तो हम में वो उत्साह या जोश होना चाहिए कि हम एक नागरिक हैं, वो भी आदिवासी नागरिक और या आदिवासी समाज जो कि 7000 भाषाएं बोलती हैं, जो कि विश्व में 500 मिलियन हैं, वो हमारा देश विभिन्न भाषाएं, संस्कृति, रीति रिवाज से संबंध रखते हुए भी हम एक आदिवासी समाज को एक आदिवासी परिवार के रूप में बनाते हैं, जो कि आदिवासी समाज का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि हम युवा युवतियाँ ये नहीं समझें कि हम ना ही किसी के द्वारा बनाए गए हैं। हाँ, भेजे गए हैं जरूर, लेकिन हम खुद को बनाने के हकदार हम खुद हैं। क्योंकि हमारा जीवन बनता है हमारे खुद के मन विचार और हमारे सोच से। क्योंकि अगर आज हम हमारे वर्तमान की परिस्थितियों को समझें, उन पर विचार विमर्श करें और उन्हें पीछे छोड़कर आगे जाने के लिए प्रयास करें तो हम भी किसी से कम नहीं। अतः आज हम युवा प्रण करें कि हम आदिवासी नागरिक होकर आदिवासी समाज को अपना एक योगदान पूरे दृढ़ता रूप से देंगे। अतः आइए हम कदम से कदम मिलाकर अपनी पहचान, अस्तित्व, अधिकार, संस्कृति, भाषाएं और रीति रिवाज को बनाए रखने के लिए आगे बढ़ें और संघर्ष करते रहें और विकास की ओर अग्रसित होते रहें। धन्यवाद। जोहार। तो हम हमारे जो यूथ स्पीकर थे उनके लिए बहुत बहुत जोरदार ताली दे के स्वागत करें उनके सुंदर भाषण के लिए, या तो स्पीच के लिए, संदेश के लिए।